सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का आओ एक मशाल जलाए। नमस्कार, मैं कामिनी कुमुद 2022-23 के बजट पर अपना नजरिया पेश करने जा रही हूँ। देश में सुव्यवस्थित अर्थव्यवस्था के लिए संतुलित बजट का होना अति आवश्यक है। बजट में आय और व्यय का समन्वय होना आवश्यक है, तभी देश का बजट सबों के लिए सर्वोपरि होगा। देश का बजट बनाते समय निम्न तथा मध्यम वर्ग का ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो निम्न और मध्यम वर्ग का जीवन संचालन करना दुर्लभ हो जाता है। बजट बनाते समय यह ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है कि दैनिक कार्य में आने वाला सामान सस्ता हो, नहीं तो सेवा क्षेत्र में आने वाले लोगों तथा निम्न वर्ग के लोगों का सीमित आय दिन प्रतिदिन कठिन हो जाता है। उद्योगपति तथा अधिक कमाने वाले लोगों को टैक्स जरूर भरना चाहिए, क्योंकि वही रुपया देश के हित में काम आता है। देश का बजट बनाते समय देश के बेरोजगार युवाओं का खास ध्यान रखा जाना बहुत जरूरी है। आए दिन बेरोजगार युवा रोजगार के लिए तथा भर्तियों में गड़बड़ियों को लेकर सड़कों पर विरोध जताते नजर आते हैं। कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र में सबसे अधिक हानि हुई है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। बजट में शिक्षा के क्षेत्र में अधिक निवेश हो तथा नई शिक्षा नीति कड़ा से लागू हो करना आवश्यक है। देश में महामारी की स्थिति को देखते हुए चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार करने की आवश्यकता है। देश के बजट में किसानों का खास ध्यान रखा जाना चाहिए। रेल यात्रा सस्ता एवं सुविधापरक होना चाहिए। सड़क यात्रा सर्वसुलभ होना चाहिए। कुल मिलाकर 2022-23 का बजट जनप्रिय एवं प्रशंसनीय होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद फैज। वर्तमान में मैं विजयवाड़ा शहर में रहकर रिटेल सेक्टर में काम कर देश को अपनी सेवा दे रहा हूँ। आने वाले बजट से मेरी कुछ अपेक्षाएं हैं। सरकार से मेरी दरख्वास्त है कि हम सब बीते समय से सबक लेते हुए आगे काम करें और इस वर्ष शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर हम अपना बजट काफ़ी ज़्यादा, जितना हमारा पहले का बजट है उससे ज़्यादा हम आगे काम करें, और ख़ासकर ग्रामीण क्षेत्रों में इस बजट का आवंटन नियमित रूप से हो। लाइक ग्रामीण क्षेत्रों में हमें अस्पताल तो हैं, वहाँ पे डॉक्टरों की भर्ती, नर्सेस की भर्ती और इन सब के ऊपर अगर काम हो, बजट आवंटन हो, तो ग्रामीण क्षेत्र का काफ़ी भला होगा, हम सबको काफ़ी अच्छा लगेगा। साथ ही साथ असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले लोग, जैसे रेस्टोरेंट, जिम, इन सब का भी जीवन काफ़ी प्रभावित हुआ है। इन सबको सरकार, इनके कल्याण के लिए अगर अपना PF स्कीम आगे बढ़ाए, उन सबको सैलरी देने के लिए अगर सरकार कुछ योगदान करे, इसके लिए एक विशेष रूप से बजट का आवंटन हो तो बेहतर हो सकता है लोगों का जीवन। साथ ही साथ ये मेरा व्यक्तिगत, क्योंकि मैं स्वयं इस बात से काफ़ी हताश हूँ कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बहुत ही कम है। पिछले 4 सालों में अगर हम देखें तो मदरसा शिक्षकों की तनख्वाह जो नहीं आई है, पिछले 4 वहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का बजट बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ सबसे जो मैं अपना कहना चाहूँगा कि जिस पे काम होता है लेकिन दिखता नहीं है, जो भी है, पर्यावरण का क्षेत्र, प्रदूषण से हम सब प्रभावित हैं और ये आने वाले, जिस तरह से कोरोना एक महामारी बनी, उस तरह से प्रदूषण भी आने वाले समय में एक महामारी का रूप ले सकता है। तो सरकार प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण पे अपना बजट बढ़ाए और बाकी देश के हित के लिए कार्य करे। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आज इस परिवार पटना की सदस्य कुमारी प्रियंका सिन्हा, हाई स्कूल सालिमपुर बख्तियारपुर में पुस्तकालय अध्यक्षा हूँ। परिवार के राष्ट्रीय संयोजक श्री उदय मन्ना जी और पटना विहार के प्रभारी भाई श्री झुनझुनवाला जी के प्रति मैं अपना आभार प्रकट कर रही हूँ। मैं कुमारी प्रियंका सिन्हा 2022-23 के केंद्रीय बजट के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। चूँकि मैं एक अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हूँ, हाल में
बजट पेश होने वाला है। मैं एक पुस्तकालय अध्यक्षा होने के नाते मुझे लगता है कि केंद्र बजट और राज्य में जो बजट आते हैं उसमें लाइब्रेरी के लिए अलग से निवेश किया जाना चाहिए, क्योंकि लाइब्रेरी में बहुत समय से पुरानी पुस्तकें ही हैं जिससे बच्चों को लाभ नहीं मिल पा रही है। आज डिजिटल इंडिया की बात की जा रही है, लेकिन क्या हमारे लाइब्रेरी वो ही बिहार में डिजिटल लाइब्रेरी है? नहीं है, जिससे लाइब्रेरियन को भी अपडेट किया जाना चाहिए और बच्चों के लिए भी उस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे बच्चों को लाभ मिल सके। नई पुस्तकें भी आनी चाहिए। अगर हमारे केंद्रीय बजट में इसके लिए व्यवधान कर दिया जाए तो इस समस्या से निदान हो सकता है। जय हिंद। मैं सक्षम आर्जस युवा टोली बिहार पटना से आज श्री दुष्यंत जी की एक कविता सुनाऊंगा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। आज ये दीवारें पर्दों की तरह हिलने लगी, लेकिन कोशिश थी कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हर गली हर शहर हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए।